हेलो फ्रेंड्स आप सभी का फाउंडेशंस ऑफ आर सॉफ्टवेयर के इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है अब आपको याद होगा कि हम लोग अपने डेटा मैनिपुलेशंस के बारे में बातें कर रहे हैं और हमने अब तक सीक्वेंस के बारे में सीखा है आज इस लेक्चर में हम आपको एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहे हैं वह है रिपीट अब रिपीट का हिंदी का मतलब अगर आप समझते हैं तो आपको इस कार्य का इस फंक्शन का जो कार्य है वह खुद खुद समझ में आ जाएगा रिपीट का मतलब होता है किसी कार्य को बार बार करना अब जब हम आर सॉफ्टवेयर में किसी कार्य को बार बार करने की बात करते हैं और ख़ास तौर पर जब हम उसको हम अपने नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो किसी नंबर को अगर हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं या कोई सीक्वेंस है उसको हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं उसके लिए हम रिपीट कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं और ये जो हमारा रिपीट का कार्य होता है कि हम किसी वैल्यू को हम रिपीट करना चाहते हैं हम जब भी अपना डेटा मैनिपुलेशंस करते हैं और हम अपने अपने भिन्न भिन्न कार्य करते हैं उस समय हमको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और उस समय आपको ये जो छोटे छोटे हम अपने कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं इसका आपको भविष्य में इस्तेमाल पड़ेगा तो इसी आशा के साथ में कि आप इनको समझते हैं और भविष्य में आपको इसका कार्य पड़ेगा हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और हम रिपीट में अपने भिन्न भिन्न उदाहरणों के द्वारा हम आपको इस फंक्शन के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो बात होती है कि ये जो हमारा कमांड होता है रिपीट इसका हमारा आर में सिंटेक्स होता है आर ई पी रेप और ये जो रेप फंक्शन होता है ये हमारे नंबर्स टेक्स्ट और कोई अगर डेटा वेक्टर में कोई वैल्यू दी हुई है उसको एक किसी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करने की कोशिश करता है अर्थात तो उनको बार बार करेगा और ये नंबर आपको देना पड़ता है कि इस वैल्यू को या टेक्स्ट को या डेटा वेक्टर को कितनी बार रिपीट करना है अब अगर मेरा कोई एक वैल्यू है या डेटा वेक्टर है जिसको मैंने एक्स से डिनोट किया है तो अगर मुझे इस रेप कमांड को इस्तेमाल करना है तो इसको मुझे, इसको मुझे देना पड़ेगा रेप और पैरेंथिस में देना पड़ेगा x तो ये हमारी x के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं इनको रिपीट कर देगा लेकिन अब बात यह आती है कि इन वैल्यू को रिपीट करना है तो उनको रिपीट दो तरीके से किया जा सकता है कि अगर हम किसी एक डेटा वेक्टर की बात करते हैं तो डेटा वेक्टर में हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं तो उन डेटा वेक्टर की वैल्यूज़ को अगर हम रिपीट करना चाहें तो पहला ऑप्शन तो ये है कि हम पूरे पूरे डेटा वेक्टर को हम रिपीट कर दें और दूसरा हमारा ऑप्शन है कि डेटा वेक्टर के अंदर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको हम रिपीट करें तो यहां पे क्या होगा जो उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ है वो रिपीट होंगे लेकिन पूरा डेटा वेक्टर रिपीट नहीं होगा तो जब हम अपने किसी एक्स डेटा वेक्टर को अगर हम एन टाइम्स अगर हम रिपीट करना चाहते हैं तो हमारा ऑप्शन होता है हम अपने रेप कमांड के साथ में इस्तेमाल करते हैं टी आई एम ई एस टाइम्स इज़ इक्वल टू एन तो ये हमारे पूरे डेटा वेक्टर को एन टाइम्स रिपीट कर देगा और अगर मुझको डेटा वेक्टर के अंदर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उन वैल्यूज़ को अगर मुझे एन टाइम्स रिपीट करना है तो हमारा कमांड होगा ईच ई ए सी एच इक्वल टू एन अब ये हमारे कमांड किस प्रकार से कार्य करते हैं इसको जरा से हम यहाँ पे भिन्न भिन्न उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे पास ये तीन ऑप्शंस मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं एक है रेप और एक्स और इसमें दिया हुआ है लेंथ डॉट आउट इक्वल टू एन रेप एक्स और इसमें लिखा हुआ है लेंथ इक्वल टू एन और एक लिखा हुआ है रेप अंडर स्कोर लेंथ आर ई पी अंडर स्कोर एल ई एन और फिर लिखा है एक्स और फिर लिखा हुआ है लेंथ डॉट आउट तो ये जो हमारे कमांड हैं ये हमारे ए, उस डेटा वेक्टर में की हर सेल में जो वैल्यूज़ लिखी हैं उनको एक दी हुई लंबाई तक रिपीट करते हैं अगर ये मुझे मालूम है कि मुझे अपने डेटा वेक्टर को अगर आ, को ऐसे रिपीट करना है कि उसमें टोटल सपोज़ की एन वैल्यूज़ होनी चाहिए तो आउटकम जो उसका आएगा उसमें खाली अन वैल्यूज़ ही होंगी और उसके लिए हम इसमें से किसी भी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं आपको हम बाद में ये उदाहरण के द्वारा दिखाने की कोशिश करेंगे लेकिन साथ में हम आपको ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि रैप में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आप जरा उसको हेल्प में जा कर के पढ़ने की कोशिश करिए और इसके लिए आप हेल्प और पैरेंथेसिस में डबल कोर्स के अंदर आर ई पी लिखेंगे तो आपको इस तरह का आउटकम मिल जाएगा और आप इसको पढ़ करके रैप के हमारे भिन्न भिन्न क्या क्या उपयोग है उसको आप समझ सकते हैं अब हम आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण दिखाते हैं और हम सबसे पहले करते हैं कि हमारा एक स्केलर वैल। एक ही वैल्यू है 3.5 और उसको हम दस बार रिपीट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया रेप और पैरेंथिस में लिख दिया 3.5 और उसके आगे लगा के लिख दिया टाइम्स इज इक्वल टू टेन टी आई एम ई एस सब कुछ हमारा लोअर केस अल्फाबेट्स में लिखा जाएगा इक्वल टू टेन जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस बार आपको 3.5 की वैल्यू रिपीट हो गई तो यहाँ तो देखिए आपने स्केलर लिया अब हमें कोई एक सीक्वेंस लेते हैं तो हमने लिखा रेप और हमने यहाँ पे ले लिया वन ओल्डन फोर आपको पता है कि ये क्या है वन टू थ्री फोर ये फोर वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे हमने लिख दिया टू तो अगर मैंने यहाँ पे टाइम्स या ईज कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका हमारा डिफॉल्ट होता है टाइम्स तो टाइम्स इक्वल टू टू अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा सीक्वेंस है वन टू थ्री फोर देखिए ये आ गया पहली बार और दूसरी बार देखिए वन टू थ्री फोर फिर से आ गया राइट right. तो देखिए पूरा पूरा सीक्वेंस आपका दो बार रिपीट हो गया अब यहाँ पर हम आपको करा सा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप एक ही डेटा वेक्टर में टाइम्स और ईच दोनों को हम बराबर संख्या में इस्तेमाल करते हैं तो उनके आउटकम में क्या अंतर आता है अब देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि इसका आउटकम क्या आ रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर किस प्रकार से आउटकम दे रहा है उसका क्या पैटर्न है ये समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि इसी के बेसिस पर आगे आने वाले समय में आप जब भी प्रोग्राम करेंगे तो जो भी आपको डेटा जनरेट करना है वह आपको इस आर कमान में लिखना पड़ेगा तो देखिए यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया यहाँ पर मैंने लिखा एक्स इक्वल टू वन गोल्डन फोर अर्थात इसमें हमारी चार वैल्यूज़ हैं एक दो तीन चार अब जरा से देखिए क्या होता है मैंने एक कमान यूज़ किया रेप एक्स और यहाँ पे लिखा टाइम्स इक्वल टू थ्री और साथ में लिखा मैंने रेप एक्स और साथ में लिखा ईच चीज़ इक्ल टू थ्री अब देखिए यहाँ पे क्या होता है जब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है टाइम्स तो देखिए क्या हुआ ये जो हमारा सीक्वेंस है वन टू थ्री फोर ये देखिए ये आ गया वन टू थ्री फोर ये आ गया और वन टू थ्री फोर ये आ गया तो एक बार दो बार और ये तीन बार रिपीट हो गया अब जब मैंने यहाँ पे यूज़ किया ईच तो देखिए आपके डेटा वेक्टर में कौन कौन सी वैल्यू थी वन टू थ्री फोर तो जो वैल्यू वन है वो देखिए तीन बार रिपीट हो गई जो वैल्यू दो है वो तीन बार रिपीट हो गई जो वैल्यू तीन है वो तीन बार रिपीट हो गई और जो वैल्यू चार है वो वह भी तीन बार रिपीट हो गई तो आपने देखा कि उसमें से क्या फ़र्क आता है टाइम्स में वो पूरा पूरा डेटा वक्टर रिपीट करेगा और ईच में डेटा वक्टर की जो वैल्यूज़ लिखी हैं उनको वो खाली रिपीट करेगा तो ये आपके लिए समझना बहुत ही आवश्यक है तो चलिए हम आपको आगे बढ़ने के पहले जरा सा इन ऑपरेशंस को करके दिखा देते हैं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सपोज रेप को रेप फाइव टाइम्स इक्वल टू सेवन तो देखिए ये पांच नंबर है जो आपका सात बार रिपीट हो गया अब इसी में आप अगर यहाँ पे लिखोगे ना ईच तो आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्केलर है लेकिन अब जरा से हम यहाँ पे एक केटा वेक्टर लेते हैं और हम लिखते हैं रेप वन कोलन फाइव और यहाँ पे करते हैं टाइम्स इज इक्वल टू सपोज थ्री तो देखिए क्या हो गया ये वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव और वन टू थ्री फोर फाइव ये देखिए पूरा पूरा सीक्वेंस आपका तीन बार रिपीट हो गया अब हमने यहाँ पे टाइम्स की जगह मैंने कर दिया ईच तो देखिए क्या हो गया वन तीन बार हो गया दो तीन बार हो गया तीन तीन बार हो गया और चार और पाँच भी तीन तीन बार रिपीट हो गए तो देखिए ये फ़र्क होता है टाइम्स और ईच का अब हम आपको देखिए एक चीज़ दिखाते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हम लिखते हैं सिंपली खाली रेप वन कोलन फाइव और उसके आगे लिखते हैं तीन तो देखिए हमारा इसमें से डिफॉल्ट क्या आता है अब देखिए अगर आप इसको और जो ऊपर मैंने लिखा था टाइम्स इसको अगर मैच करेंगे तो दोनों हमारे एक से हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है टाइम्स या ईज तो ये इसका डिफ़ॉल्ट हमारा होता है टाइम्स ये अपने आप से यहाँ पे टाइम्स ले लेगा और ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ये किस प्रकार से ये कार्य कर रहा है ये ओके अब इसके बाद हम आपको ज़रा सा एक ये उदाहरण दिखाते हैं जहाँ पर आप अगर टाइम्स और ईच दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो देखिए क्या होता है तो देखिए यहाँ पर मैंने एक डेटा वेक्टर लिया वन टू फोर वन टू थ्री फोर और उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिख दिया ईच इज़ इक्वल टू टू तो उसमें से क्या होगा हर एक वैल्यू हमारी देखिए एक दो और तीन और चार दो दो, दो बार हमारी रिपीट हो गई अब यहाँ पर हमने लिख दिया साथ में ऐड कर दिया टाइम्स इक्वल टू थ्री तो जब हम यहाँ पे टाइम्स इक्वल टू थ्री ऐड कर देंगे तो अब आप देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस आपने लिखा था जो आपका ऊपर आया था ये वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर ये देखिए तीन बार रिपीट हो गया एक बार दो बार तीन बार और ये जो तीन कौन सा था ये टाइम्स इक्वल टू थ्री था और यहीं पर आप अगर इसका ऑर्डर भी अगर आप बदलने की कोशिश करेंगे कि आप अगर टाइम्स को पहले लिखेंगे और ईज को पहले लिखेंगे तो भी आप देखेंगे इसमें इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है अब जरा सा आपको हम यही कार्य देखिए जरा सा आर सॉफ्टवेयर में भी करके हम आपको दिखा देते हैं कि मैंने यहाँ पर ये जो भी कमांड को मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश करी चलिए सबसे पहले हम इसमें से टाइम्स को हटा देते हैं और खाली ईज को लेते हैं तो देखिए क्या गया ये कमांड आ गया और जब मैंने इसमें से टाइम्स लगा दिया तो देखिए यही कमांड हमारा पूरा पूरा तीन बार रिपीट हो गया एंड सो ऑन अब इसी में करा कर मैंने इसका इसका मैं, जो मैंने पोजीशन है मैंने उसको बदल दिया यहाँ पर मैंने कर दिया ईच इज़ इक्वल टू टू और मैंने इसको यहाँ से हटा दिया तो मैंने ईच और टाइम की दोनों को कि जो पोजीशन को मैंने चेंज कर दिया था तो देखिए इसमें से कोई फ़र्क नहीं आया आप अगर देखिए इसमें और इसमें तो ये ऑपरेशन आपको ध्यान में रखना है कि जब आप ईच और टाइम को कह रहे हैं तो सबसे पहले आपका ईच एग्जीक्यूट होता है उसके बाद टाइम एग्जीक्यूट होगा राइट right. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जिसके द्वारा आपको ये समझ में आ जाएगा कि आर किस प्रकार से कार्य करता है और ये देखिए ये स्क्रीन जो आपको मैंने अभी करके दिखाया है ओके okay. अब हम आपको यहाँ पे एक उदाहरण और लेते हैं मैंने यहाँ पे लिखा रेप और पहली जगह पर लिखा मैंने वन कोलन फोर इसका क्या हो गया वन टू थ्री फोर ये हमारी चार वैल्यूज़ हैं और उसके बाद में देखिए मैंने क्या लिखा है ये लिखा हुआ है टाइम्स तो टाइम्स का हमारे क्या वैल्यू है टू थ्री फोर फाइव अब जरा से देखिए इसका आउटकम क्या हो रहा है आप अगर देखिए यहाँ पर ये वन दो बार रिपीट हुआ दो तीन बार रिपीट हुआ तीन चार बार रिपीट हुआ और चार पांच बार रिपीट हुआ ये क्या हो रहा है ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए अगर हम उसको यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइम्स की वैल्यू टू थ्री फोर और फाइव अब ज़रा समझिए देखिए इसमें से क्या हो रहा है सबसे पहले जो यहाँ पर वैल्यू थी वन टू थ्री फोर इसकी ये वैल्यू हमारी यहाँ पर उठ के आ गई जो उसकी पहली जगह पर है तो ये जो हमारा था वन ये हमारा टू टाइम्स रिपीट हो गया और मुझको उसका उत्तर मिल गया वन वन उसके बाद में जो आपकी दो सेकेंड नंबर पे वैल्यू थी दो ये इसमें टाइम्स में दूसरे नंबर की वैल्यू पर आ गई तो ये हो गया टू और थ्री देखिए अर्थात दो हमारा तीन बार रिपीट होगा तो ये देखिए तीन बार रिपीट हो गया उसके बाद में आपकी जो थर्ड वैल्यू क्या थी तीन और टाइम्स में थर्ड वैल्यू क्या थी चार तो यह जो तीन चार के साथ में कंबाइन हो गया और आपने देखा कि यह तीन हमारा एक दो तीन चार चार बार रिपीट हो गया और उसी तरीके से आप अगर यहाँ पर जो आपकी अंतिम वैल्यू है चार इसको आप अगर मैच करेंगे तो ये पाँच बार रिपीट हो जाए ये तो मैंने देखा यहाँ पर जो वैल्यू हमारी चार है ये हमारी पाँच बार रिपीट हो गई एक दो तीन चार पाँच तो ये देखिए ऑपरेशन है इस प्रकार से आर कार करता है तो ये आपको समझना है और इस बात को ध्यान में रखना है ओके अब हम आपको देखिए यहाँ पर इसी कार को फिर से एक उदाहरण लेकर के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने एक सीक्वेंस लिया उस सीक्वेंस में हमारे पास नंबर थे दो से आठ तक के और जो हमारे दो इंक्रीमेंट से बढ़ रहे हैं तो आपके नंबर क्या आ जाएंगे दो चार छः आठ और इसको मैंने ए एन एस नाम के डेटा वेक्टर में स्टोर कर दिया अब हमने कह दिया यहाँ पे रेप वन टू फोर और साथ में लिख दिया कॉमा लगा के ए एन एस अर्थात पहली वैल्यू क्या आ गई वन टू थ्री फोर और दूसरी वैल्यू क्या आ गई 2, 4, 6, 8. गर, 1, 2, 3, 4, दो चार छ आठ इसको ऐसे लिखिए अगर वन टू थ्री फोर फिर लिखिए दो चार छ आठ तो देखिए क्या होगा ये आपका हो गया टाइम्स और ये आपका क्या होगा डेटा तो सबसे पहले क्या हुआ ये जो पहली वैल्यू है वन ये दो बार रिपीट हो जाएगी तो देखिए ये आपकी दो बार रिपीट हो गई एक और दो उसके बाद जब आप आगे आते हो तो दूसरी वैल्यू क्या है आपकी दो और वो कितनी बार रिपीट होगी चार बार देखिए एक दो तीन चार बार ये आपकी दो रिपीट हो गई इसके बाद आप देखोगे तो अगली वैल्यू आपकी क्या है तीन और उसकी वो कितनी बार रिपीट होना है छः बार तो देखिए ये एक दो तीन चार पाँच छः बार आपकी तीन एक दो तीन चार पाँच छः बार आपकी ये तीन वैल्यू रिपीट हो गई और उसी के बाद अंत में आप अगर देखेंगे तो अगली वैल्यू क्या है चार जिसको आठ बार रिपीट होना है तो देखिए इसने आपको देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इसने आपको आठ बार इन वैल्यू को रिपीट कर दिया यही इसका देखिए स्क्रीन भी है तो इस उदाहरण के द्वारा आपको ये समझ में आ जाएगा कि आर किस प्रकार से कार्य कर रहा है ये आर हमारे दोनों डेटा वेक्टर को जो भी हमारे कॉमा के पहले और बाद में लिखे हैं उनके जो भी लोकेशंस है उस पर जो जो नंबर लिखे हैं उसके अनुसार कार्य करता है राइट right. अब इसके साथ में हम आपको जरा सा एक और ऑपरेशन के बारे में बता देते हैं वो है मैट्रिक्स कि अगर हम मैट्रिक्स को रिपीट करेंगे तो क्या होगा अब यहाँ पे आपको समझना बहुत आवश्यक है कि क्या हो रहा है तो जैसे अब हमने एक मैट्रिक्स तैयार करी टू तो बाई टू ऑर्डर की जिसमें हमारे पास वैल्यूज हैं वन टू थ्री फोर और डेटा हमारा रो वाइज अरेंज है तो देखिए ये हमारी आ गई मैट्रिक्स और इसको मैंने यूज़ किया रेप एक्स थ्री तो मैंने एक्स को मैंने तीन बार मैंने रिपीट करने की कोशिश करी अब आप इसको देखिए जैसे ही आप इसको रिपीट करते हो तो क्या होता है देखिए वन थ्री टू फोर वन थ्री टू फोर और वन थ्री टू फोर ये तीन बार रिपीट हो गया लेकिन ये वन थ्री टू फोर कहाँ से आया देखिए वन से थ्री आया थ्री से टू गया और टू से फोर आया तो देखिए ये कुछ उस तरीके का ऑपरेशन है जो एक अलग प्रकार से हो रहा है लेकिन जहाँ तक हमारे को लगता है कि मेरे दिमाग में था कि मैं इस पूरी पूरी मैट्रिक्स को तीन बार रिपीट करना चाहता हूँ और मैं उसको ऐसे लिखना चाहता हूँ वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर और वन टू थ्री फोर लेकिन आपको याद है कि इस कार्य को करने के लिए आपका कमांड होता था आर बाइंड और साथ ही आप अगर इस मैट्रिक्स को तीन बार कॉलम वाइज अरेंज करना चाहते हैं तो आपका कमांड था सी बाइंड आप उसको इस्तेमाल करिए लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर तरह के ऑपरेशन करने हैं, तो आपने देखा कि आर हमारा मैट्रिक्स में किस तरह से रिपीट कार करता है आप उसको चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं राइट चलिए अब हम आपको इन ऑपरेशन को ज़रा सा आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा दें तो देखिए जब हमने यहाँ पे यह किया रेप वन मतलब कि जो हमारा सीक्वेंस था वन टू फोर उसको मैंने दो तीन चार पाँच बार रिपीट किया तो देखिए एक आपका दो बार हो गया दो तीन बार हो गया तीन चार बार हो गया और चार पांच बार आपका रिपीट हो गया उसके बाद में आप अगर देखेंगे कि ये आपका हो गया एन एस और तो आप देखेंगे कि ए एन एस की क्या वैल्यू आ गई टू फोर सिक्स एट अब आपने कहा यहाँ पर रेप वन टू सपोज़ फोर और कैसे उसको कंट्रोल करना है जो भी ए एन एस में वैल्यू दी हुई है तो देखिए ए एन एस में एक आपका दो बार रिपीट हो गया जो आपका दूसरा नंबर है दो या आपका चार बार रिपीट हो गया तीसरा नंबर है तीन या आपका छः बार रिपीट हो गया और जो चौथा नंबर है चार या आपका आठ बार रिपीट हो गया तो देखिए इस तरह के जो भी कार हैं जब आप डेटा बेस मैनेजमेंट में काम करेंगे या आप बड़े बड़े सिमुलेशन या प्रोग्राम लिखेंगे उसमें आपको ये इस्तेमाल आएंगे जब आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू को को चूज़ करना चाहेंगे और साथ ही अगर हम आपसे कहें कि ये जो हमारा मैट्रिक्स वाला कमांड भी है इसको भी आप अगर देखने की कोशिश करें तो देखिए ये मैंने अपने यहाँ पर मैट्रिक्स बना ली मैट्रिक्स आपकी आ गई इस प्रकार की और जब आपने इसको एक्स को तीन बार रिपीट करने की कोशिश करी तो ये हो गया ऐसे वन थ्री टू फोर वन थ्री टू फोर और वन थ्री टू फोर राइट right. तो इस प्रकार से ये देखिए आपका आर कार अब अभी तक तो जो हमने बात करी है वहाँ पर मैंने नंबर्स को रिपीट करने की बात करी है अब हम आपको जो कैरेक्टर्स हैं उनको रिपीट करने की बात करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पे तीन करेक्टर लिए ए बी सी और उनको मैंने एक डेटा वेक्टर में लिख दिया और इसको मैंने फिर लिख दिया रेप और इस डेटा वेक्टर को मैंने टाइम्स इक्वल टू टू दो बार मैंने इसको रिपीट करा दिया तो देखिए क्या आउटकम आ जाएगा ए बी सी और ए बी सी दो बार ये वैल्यूज़ हमारी रिपीट हो गई और उसी प्रकार से अगर मैंने ए बी सी की जगह अगर मैंने एक और ले लिया एप्पल बनाना केक और एप्पल बनाना केक को भी मैंने अगर दो बार रिपीट करा दिया तो उसने देखे दे दिया एप्पल बनाना केक एक बार और दूसरी बार उसने फिर से मुझे दे दिया एप्पल बनाना केक दिस तो आपने देखा कि ये जो रेप कमांड है ये हमारा नंबर और करेक्टर दोनों के ऊपर कार्य कर रहा है राइट अब साथ ही हम आपको जरा सा अब एक कार और करके दिखाते हैं यहाँ पर क्या है कि आपको याद होगा कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जब सीक्वेंस की बात करी थी तो उसमें हमारे पास एक सुविधा ऐसी थी कि जब मुझको यह पता है कि हमारा सीक्वेंस की लेंथ कितनी होगी जो हमारे सीक्वेंस की लेंथ है वो एक कुछ फिक्स है और हमको पहले से पता है और उसके बाद हमको अपने उस डेटा वेक्टर को रिपीट करना है उसी तरह का कार्य हम यहाँ पे देखिए करते हैं और आपको दिखाते हैं कि दोनों में क्या अंतर आएगा जब हम स्केलर को के ऊपर ये कार्य करेंगे तो आपको कोई अंतर नहीं दिखाई देगा लेकिन जब हम डेटा वैक्टर के ऊपर इस कार्य को करेंगे तो आपको दोनों में अंतर दिखाई देगा और आपका जो कार्य यह है कि आप दोनों के ऑपरेशन को समझिए क्या हो रहा है तो देखिए हमने यहाँ पे ये कमांड यूज़ किया लेंथ डॉट आउट या हम कर सकते हैं लेंथ कुछ भी कर लें दोनों में मुझे कोई फ़र्क नहीं दोनों से मुझे एक ही आउटकम मिलेगा तो मैंने यहाँ पे एक कमा लिखा रेप और फिर लिखा दो और फिर लेंथ इक्वल टू पाँच तो क्या होगा ये जो दो वैल्यू है ये आपकी पाँच बार रिपीट हो जाएगी देखा आपने दोनों में कोई इशू नहीं है ये वाला काम तो हम पहले भी कर सकते थे टाइम्स और ईस्ट से लेकिन इसी ऑपरेशन को जरा हम अपने आप डेटा वैक्टर पर करते हैं को देखिए क्या होगा आपने यहाँ पर अब डेटा वैक्टर ले लिया सी टू कॉमा थ्री अर्थात यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं और आपने यहाँ पर दे लिया लेंथ इज़ इक्वल टू पाँच अर्थात कि जो आपका सीक्वेंस जनरेट होगा उसकी लंबाई पाँच होनी चाहिए तो देखिए क्या होगा ये दो और तीन यहाँ पे आया फिर से दो और तीन रिपीट हुआ आपकी कितनी वैल्यूज हो गई वन टू थ्री फोर अब फिर से यहाँ पर ये दो और तीन रिपीट होगा लेकिन आप आपने दिया हुआ है कि इसकी लंबाई पाँच होनी चाहिए तो ये दो को तो प्रिंट करेगा और फिर तीन को यहाँ पर प्रिंट नहीं करेगा उसी प्रकार से आप अगर अपने डेटा वेक्टर में अगर दो की जगह तीन एलिमेंट्स ले लेंगे टू थ्री और फोर और लंबाई आपने पाँच ही रखी हुई है तो देखिए टू थ्री फोर हमारा आएगा उसके बाद में फिर से हमारा टू थ्री फोर रिपीट होगा लेकिन चूंकि आपने लंबाई पाँच रखी है तो ये चार यहाँ पर नहीं आएगा और आपको टू थ्री फोर और टू थ्री करके इसके बाद में आपका आउटपुट यहाँ पे रुक जाएगा तो देखिए ये हमको एडवांटेज है जब हम रेप के साथ में लेंथ को भी यूज़ करते हैं अब साथ में जो काम मैंने आपको यहाँ पर नंबर के साथ करके दिखाया हुआ है यही कार्य आपका करेक्टर के साथ भी होता है जैसे मैंने कहा कि मैंने एक कैटके लिया एप्पल और एप्पल को मैंने पाँच बार रिपीट करना चाहते हैं तो मैंने दे दिया कि हमारी लेंथ होगी पाँच तो इसने देखिए एक दो तीन चार पाँच बार इसने एप्पल को रिपीट कर दिया उसी तरीके से मैंने एक डेटा वेक्टर लिया ए बी सी जिसमें हमारे पास तीन वैल्यू है और हमने कर दिया लेंथ इज इक्वल टू टू अब क्या होगा इसमें से हमको खाली दो ही एलिमेंट चाहिए तो ये ए बी सी यहाँ पर आएगा तो ए बी सी लेकिन हमारी चूंकि लेंथ दो है तो ये तीन को यहाँ पे नहीं दिखाएगा आपको खाली ए और बी को ही दिखाएगा उसी प्रकार से अगर हम मानी इसकी लंबाई बढ़ा दें पाँच कर दें तो देखिए ए बी सी आ जाएगा और साथ में हमारा ए बी आएगा यहाँ पे सी आएगा लेकिन आपको ये इसके पहले प्रोग्राम रुक जाएगा क्योंकि आपने लंबाई को दिया हुआ है पाँच तो यह जो डेटा वेक्टर है जिसकी लंबाई है तीन ये पहली बार तो पूरा पूरा रिपीट होगा लेकिन उसके बाद जो उसके पहले दो एलिमेंट्स हैं वही रिपीट होंगे और उसके बाद में प्रोग्राम ये रुक जाएगा देखिए ये इसका स्क्रीन है तो चलिए हम आपको जरा सा इन ऑपरेशन को भी आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं सो दैट कि आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए राइट तो देखिए हम चलिए इस ए बी सी को जरा सा हम पहले आ, दो बार रिपीट करते हैं तो देखिए ए बी सी और ए बी सी देखिए दो बार रिपीट हो गया उसी तरीके से अगर हम एप्पल बनाना केक को भी अगर हम दो बार रिपीट करते हैं तो देखिए एप्पल बनाना केक और एप्पल बनाना केक हमारा रिपीट हो गया उसके बाद अगर हम अपने यहाँ पे जो अपने इस रेप कमांड को हम यहाँ पे लेंथ के साथ में करते हैं तो देखिए तो अगर हम दो को यहाँ पे पांच बार रिपीट करते हैं तो देखिए तो मार तो आ जाएगा दो 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 पाँच बार दो को रिपीट किया और अब अगर हम यहाँ पे इस दो की जगह हम एक डेटा ले लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा कि दो और तीन हमारा कितनी बार रिपीट होगा दो तीन फिर से दो तीन उसके बाद हमने चूंकि लंबाई पाँच करके रखी हुई है तो ये हमारा यहीं पर रुक जाएगा और इसी में अगर हम मान लीजिए अपने डेटा वेक्टर में अगर हम मान लीजिए तीन वैल्यूज़ कर देते हैं दो तीन चार लेकिन लंबाई मैंने पाँच ही करके रखी हुई है तो देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी दो तीन चार और उसके बाद में दो तीन पाँच वैल्यूज़ ख़त्म हो गई उसके बाद ये आगे जो चार नहीं दिखाई देगा राइट तो इसी प्रकार से आप अगर देखेंगे कि अगर आपको मान लीजिए जो अपना किसी करेक्टर को भी अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो देखिए आपका एप्पल आपका पांच बार यहाँ रिपीट हो गया लेकिन इसी के अंदर आप अगर मान लीजिए आप एप्पल की जगह अगर से अगर एप्पल और बनाना देते हैं तो देखिए क्या होगा ये आपका पांच बार रिपीट एप्पल बनाना एप्पल बनाना एप्पल ये तो रिपीट हो गया ओके अब लेकिन अगर हम मान लीजिए ए बी सी को अगर हम लेते हैं और इसको हम दो बार रिपीट करते हैं तो देखिए क्या हो गया ए और बी हमारी लंबाई है खाली दो तो हमारे ये दो बार रिपीट नहीं होगा लेकिन ये खाली यहीं पर पहली बारी में आकर के ए बी पर रुक जाएगा और अगर हम अपनी लंबाई को बढ़ा देते हैं पाँच कर देते हैं तो देखिए ये हमारा ए बी सी रिपीट होगा और इसके बाद में ये फिर से यहाँ पर रुक जाएगा ओके okay, तो अब हम इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने बहुत ही छोटी छोटी बातों के बारे में देखा है और ये सारी बातें रिपीट के बारे में है कि किस प्रकार से हम अपने इस रिपीट ऑपरेशन को आर्ट सॉफ्टवेयर में करते हैं लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो हमारा आउटकम आ रहा है वो तो ठीक है लेकिन आर उसका आउटकम को किस प्रकार से ला रहा है ये समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है आपने देखा कि जिस तरह से वो मैट्रिक्स में एक अलग तरीके का आउटपुट देता है और यह हम जब ईच और टाइम्स को हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसका आउटपुट एक तरीके का होता है ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत आवश्यक है क्यों क्योंकि आप जब आगे कभी अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपका आउटपुट पता है आपको कि आपको ऐसा ही चाहिए अब वह आउटपुट लाने के लिए आपको उदाहरण के लिए अगर रेप कमांड इस्तेमाल करना है तो रेप कमांड में उस डेटा वेक्टर में आपको ईच और टाइम्स को किस प्रकार से देना है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही तो आपको सही प्रोग्राम देगा तो अब आप एक काम करिए आप छोटे छोटे उदाहरण लीजिए आप उनकी प्रैक्टिस करिए और उसके अंदर ईच टाइम इत्यादि फिर न्यूमेरिकल करेक्टर इत्यादि आप उनको बदलने की कोशिश करिए उसकी प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ में मिलने फिर से आएंगे तब तक के लिए गुड बाय